नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका T20 के 27वें मुकाबले के बारे में, जो कि जोबर्ग सुपर किंग वर्सेस सनराइज ईस्टर्न केप के बीच में खेला जाना है। और भाइयों, इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, पिच पे होने वाला क्या है, मैच में होने वाला क्या है, क्या मेरी टीम रहेगी, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाइयों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भाइयों, जोनस बर्ग में मैच खेला जाएगा और इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भाइयों सीधा सा फार्मूला है, जितने भी स्पिनर्स खेले सबको आप अपनी टीम में ले लो, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स को ज़बरदस्त हेल्प मिलती है, ठीक है भाइयों। और बाकी भाइयों, बल्लेबाजों की बात की जाए तो यहाँ पे जो टीम रन चेस करती है ज़्यादा मैच वही विन करती है, और सेकेंड इनिंग के बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो भाइयों यही पिच रिपोर्ट है, बस आपको स्पिनर्स पे ध्यान देना है और दो तीन इस मैच में फास्ट बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। बस यही पिच रिपोर्ट है, सीधे बात कर लेते हैं अब टीम के ऊपर। तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, ओपन कर लेता हूँ भाइयों। ड्रीम इलेवन ओपन हो गया है, टीम भी मैंने बना के रखी भाइयों, आपको समझा देता हूँ क्या मेरी टीम रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो विकेट कीपर में भाइयों एक ऑलराउंडर है डी फरेरा, ये ऑफ स्पिन बॉलिंग डालता है और स्पिनर है, पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, तो मैं लेने वाला हूँ फरेरा को। अगर आप चाहो तो रोसिंगटन को भी ले सकते हो या फिर मिथ्यू वेट को भी, पर भाइयों रोसिंगटन हिट और मिस से कभी कभार चलता है। वैसे साउथ अफ्रीका T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर लास्ट मैच में भी नाबाद था, पानी गिर गया, मैच अपडेड हो गया, लेकिन भाई देख लेना आप, ट्राई कर लेना, पर मैं ड्रॉप ही करूँगा क्योंकि बहुत कमी से चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं डी फरेरा को लूँगा। अब आया था मैं बैटिंग सेक्शन में। चलो सबसे पहले है ना भाइयों, क्या है कि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, तो मैं सारे स्पिनर्स ले लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से माकरम स्पिनर है बैटिंग सेक्शन में, रिजा हेंड्रिक्स स्पिनर है, और कोई स्पिनर नहीं है। अब आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में जे स्मार्ट स्पिनर है, और यहाँ से के सिमंड्स स्पिनर है, और कोई नहीं ऑलराउंडर में। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में महेश तिक्षाना स्पिनर है, और यहाँ से रिलोफ फाइंडर मेरवे भी स्पिनर है, और इस पिच पे 5-5 विकेट भी ले चुका है, 6 विकेट लिए थे इसी पिच पे लिए थे, क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। और भाई यहाँ से फंगिस अगर खेलेगा तो उसको भी लूँगा, और यहाँ से एम क्रेन भी अगर खेलता है तो उसको भी मैं ले लूँगा। तो भाइयों टोटल मैंने अभी अपनी टीम में 7 स्पिनर्स ले ही लिए हैं, क्या है कि भाइयों इन पिचों पे फास्ट बॉलर से ओवर भी कट जाते हैं, स्पिनर्स ही ज़्यादा विकेट बॉलिंग डलवाई जाती है। तो भाइयों जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे 7 प्लेयर, इनको तो आपको मान के चलो 20 टीम में लेना है, जिनको मैंने अभी ले लिया है। अब बात कर लेते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं इस मैच में। तो भाई आप चाहो तो यहाँ से फाफ डुप्लेसिस को बिल्कुल ले सकते हो, डुप्लेसिस हर मैच में 3-4 कैच पकड़ता है तो 30-35 पॉइंट तो वही हो जाते हैं, और भाई रिसेंटली फॉर्म भी जब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो मैं यहाँ से डुप्लेसिस को बिल्कुल लेने वाला हूँ। और ज़्यादा कोई खास है नहीं, आप चाहो तो यहाँ से फ्लू को ट्राई कर सकते हो, ये कभी कभार बॉलिंग में डालता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, और वन डाउन बैटिंग करता है, लेकिन मैं यहाँ से बल्लेबाज सिर्फ 3 ले रहा हूँ। अब आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में मार्को यंसन है, रोमारियो शेफर्ट है, एन बर्गर है। तो भाइयों क्या है कि रोमारियो शेफर्ट का कंफर्म नहीं रहता है, और साउथ अफ्रीका T20 में कुछ कुछ मैच में बॉलिंग भी नहीं डाली, तो यहाँ से जिसके 4 ओवर कंफर्म है उसको मैं लेने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ यहाँ से एन बर्गर को, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है और अपने पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करने वाला है, पिच पे बॉलर्स को थोड़ी ज़्यादा हेल्प है, इसलिए मैं अपनी टीम में बॉलर्स को ज़्यादा ले रहा हूँ। तो भाइयों 9 प्लेयर ले लिए, 2 प्लेयर बचे हैं, तो 2 प्लेयर भाइयों मैं यहाँ से ले रहा हूँ। मैं यहाँ से ले रहा हूँ भाइयों मगाला को, और यहाँ से भाइयों मैं ले रहा हूँ बैटमैन को। तो भाइयों टीम तो मेरी बनी चुकी है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, कोट जी ये भी बड़ा शानदार बॉलर है, हर मैच में विकेट चटकाता है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे जो टीम पहले गेंदबाजी करती है ज़्यादा मैच वही विन करती है, और पहली बैटिंग में अच्छे खासे विकेट गिर जाते हैं,
मान के चलो 9-10 विकेट ऑल आउट हो जाती है पूरी टीम, तो बैटिंग वो फास्ट बॉलिंग करने वाली टीम के आप पूरे बोलर्स ले सकते हो, खासकर जो डेथ ओवर्स में फास्ट बॉलर्स भी गेंदबाजी करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है भाइयों, तो अगर यहाँ से JOH की टीम पहले बॉलिंग करती तो आप कोटजी को ले लेना बैटमैन की जगह पे। ठीक है, तो टीम तो मेरी बन चुकी भाई, ये मेरी टीम है। बात कर लेते हैं अब COBC की। तो भाइयों कैप्टन बनाने वाला हूँ मैं माकरम को, पूरा अपने चार ओवर गेंदबाजी करने वाला है इस मैच में, और बैटिंग भी टू डाउन करता है, हर मैच में बैटिंग भी आती है, जबरदस्त प्लेयर है, और साउथ अफ्रीका T20 में तो हर मैच में विकेट भी छटका रहा है। वॉइस कैप्टन भाइयों आप चाहो तो ऐसे जे स्मर्ट्स को बना सकते हो, जे स्मर्ट्स भी इस मैच में बॉलिंग बैटिंग दोनों करने वाला है, पर भाइयों मैं थोड़ा सा सेफ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से बना रहा हूँ रिलो वांडर मेरवे को। क्यों? क्योंकि भाइयों इस पिच पे इसके रिकॉर्ड बड़े गदर चल रहे हैं, लास्ट जितने मैच खेले हर मैच में विकेट चटका और 6 विकेट चटकाए थे इसी पिच पे, क्योंकि स्पिनर्स है ना, स्पिनर्स को हेल्प है इस पिच पे। तो भाइयों ये मेरी टीम है, फाइनल नहीं है ये, फाइनल मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और भाइयों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक अगर वर्क नहीं करती है तो उसका सोल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में बताया है। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।